हेलो फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स। अब मैं इस वीडियो में आपको कोण का प्रोजेक्शन बताने जा रहा हूं ऑक्सिलरी प्लेन में। और इस वीडियो के पहले देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स लिखना ना भूलें। लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है ये कोण बेस 50 एमएम डायमीटर, यानी कोण का बेस का डायमीटर जो है 50 एमएम एंड 80 एमएम लॉन्ग एक्सिस, यानी बेस से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना है 80 एमएम। रेस्ट ऑन एचपी ऑन ए पॉइंट ऑफ इट्स बेस सर्किल, माने बेस सर्किल के ऐसे करके ये बेस हो गया, तो ऐसे करके रखा ये बेस का एक पॉइंट जो एचपी के साथ इस प्रकार रखा हुआ है कि जो बेस से वर्टेक्स का लाइन है यानी एक्सिस है जो पर क्या है, इस एक्सिस इज इंक्लाइन है 30 डिग्री टू द वीपी, माने इस प्रकार रखा हुआ है कि वीपी के साथ इस एक्सिस का 30 डिग्री बना रहा है एंड पैरेलल टू द एचपी। एचपी का क्या है, पैरेलल है एचपी का, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का उसका एक्सिस जो है ऐसे करके क्या है पैरेलल, लेकिन यहां से देखिए क्या है इंक्लाइन है। इस तरह से रखा हुआ है, ये पॉइंट हो गया बेस का जो एचपी में है और यहां से एक्सिस का इंक्लाइन हो गया, यहां से एक्सिस का इंक्लाइन हो गया और ये एक्सिस जो हो गया एचपी का पैरेलल हो गया। ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू। अब देखिए, सबसे पहले हमको ड्रा करना है ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू ड्रा करना है, तो सबसे पहले इसको क्या करना है कि हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रा करना है। तो हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि अगर किसी सॉलिड का एक्सिस इंक्लाइन टू द वीपी रहे तो उस एक्सिस को वीपी के परपेंडिकुलर करके या बेस को, उस सॉलिड के बेस को वीपी के पैरेलल करके सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे और तब टॉप व्यू बनाएंगे। अब यहां पर देखिए एचपी में रखा हुआ है, जो कोण का बेस पॉइंट है वो एचपी में रखा हुआ है, यानी हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक्स वाई रेफरेंस को टच करेगा। क्या करेगा, एक्स वाई रेफरेंस को टच करेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको और सुंदर बनाएं तो एक्स वाई रेफरेंस लाइन से ऊपर भी फ्रंट व्यू बना सकते हैं और नीचे भी बना सकते हैं टॉप व्यू, एक डिस्टेंस मेजर करके कितना डिस्टेंस ऊपर है और इतना डिस्टेंस नीचे, आपको लिखना पड़ेगा कितना डिस्टेंस अबव और इतना डिस्टेंस बिलो, वो भी सही है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे रेफरेंस लाइन हम ड्रा कर लेंगे। क्या ड्रा कर लेंगे, रेफरेंस लाइन एक्स और वाई, और इसी को टच करते हुए 25 एमएम, देखिए डाया हमारा कितना है 50 एमएम है, तो हम रेडियस लेंगे 25 एमएम का। अब 25 एमएम रेडियस का यहां से 25 एमएम यहां से मेजर हमारा लेते हैं 25 एमएम और यहां से टच करते हुए आप सर्किल बना लिए। अब इस सर्किल को हम चार भाग में डिवाइड कर देंगे। कितने भाग में डिवाइड करेंगे जी, चार भाग में डिवाइड कर देंगे और किसको हम नामकरण कर देंगे ए डैश, बी डैश, सी डैश और ये हमारा डी डैश, क्लियर। अब यहां से इस पॉइंट से हर पॉइंट से हम नीचे की ओर आएंगे परपेंडिकुलर एक्स वाई लाइन के, यहां से आगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए, ये हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा बी, बी और डी और ये हमारा सी। यहां से अब नीचे आइए सेंटर लाइन लेके आप आ गए। अब यहां से इसको मिला दीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए, ये सेंटर लाइन कितना का होगा 80 एमएम का, यानी यहां से रेफरेंस लाइन से इसका डिस्टेंस कितना 80 एमएम, क्लियर। अब ये हमारा हो गया ओ, ये आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रा हो गया है, हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रा हो गया। अब कहता कि ड्रा द ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू, तो आप क्या करेंगे, हम 30 डिग्री से 30 इस रेफरेंस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं,
30 डिग्री से इस कहीं पे इस फर्स्ट रेफरेंस लाइन पर इंक्लाइन करके आप खींच लीजिए, ये आपका 30 डिग्री, क्लियर। 30 डिग्री से इसको आप मान सकते हैं एक्स वन और वाई वन, दूसरा रेफरेंस लाइन कर सकते हैं। अब इस रेफरेंस लाइन पर कहीं पर हम इस टॉप व्यू को इतना का पूरा हम सेम टू सेम उतार देंगे, इस टॉप व्यू को इस लाइन पे कहीं पे हम उतार देंगे। देख लेना है कि इससे टच नहीं करें, तो आगे करके टच नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। तो कहीं पर हमें इस डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, यानी इतना डिस्टेंस ऊपर, इतना डिस्टेंस हम नीचे, इस लाइन पे परपेंडिकुलर, इस लाइन पर जो हम खींचेंगे क्या होगा, वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, क्लियर। अब ए डिस्टेंस यहां से ए डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, और ए डिस्टेंस यहां से ए डिस्टेंस मेजर करेंगे। पहला डिस्टेंस ए डिस्टेंस इस लाइन, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर 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 इस लाइन, इस रेफरेंस लाइन पे परपेंडिकुलर खींच लिए। अब डिस्टेंस ए डिस्टेंस यहां से ये कट कर लिए, तो ये हमारा हो गया सी वन, ये इस जगह हो जाएगा हमारा बी वन और डी वन, बी वन और डी वन, बी वन डी वन, और ये हमारा ये डिस्टेंस हो गया ए वन। अब हम 80 mm इसको यहां से 80 mm यहां से 80 mm कट कर दिए, मान लेते हैं यहां से देखिए, यहां से यहां तक मान लेते हैं कि हमारा 80 mm यहां पर आया, ये हमारा, अब इसको यहां से मिला दीजिए, ये हमारा यहां से मिला दीजिए, यानी ये डिस्टेंस जो हमारा होगा 80 mm यहां तक होगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ वन हो जाएगा, क्लियर। अब क्या करना है, हर पॉइंट से ओ वन से सी वन से बी वन डी वन ए वन, ये बी वन और डी वन है, देखिए ये बी है डी है, तो यहां पर बी वन और डी वन हो जाएगा। अब यहां से सब हम ऊपर की ओर परपेंडिकुलर, फर्स्ट रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर चलेंगे, परपेंडिकुलर यहां से परपेंडिकुलर ऊपर बढ़ेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ऊपर बढ़ेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ऊपर बढ़ेंगे, सब परपेंडिकुलर किस लाइन का, रेफरेंस लाइन का। अब देखिए यहां से हर फ्रंट व्यू का डिस्टेंस, इस रेफरेंस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस रेफरेंस लाइन से इसका डिस्टेंस, इस रेफरेंस लाइन इसका डिस्टेंस, ये तो हमारा बी और डी है, जीरो इसका डिस्टेंस है, यही टच किया हुआ है, तो बी और डी, यानी यहां पर हमारा बी वन डैश, ये हमारा डी वन डैश हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया हमारा बी वन डैश और डी वन डैश। अब हम सी का, यहां से सी डैश का डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे, यहां से सी डैश का मेजर करके और सी वाले लाइन पर हम कट कर देंगे, ये हमारा हो गया सी वन डैश। अब हम यहां से बी डैश का मेजर करेंगे, इसका बी डैश का मेजर करेंगे, ये हमारा डी वन डैश हो जाएगा, ये टॉप व्यू के लिए, यहां पर देखिए ये डी खाली टच कर रहा है डी डैश, इसलिए यहां पर डी वन डैश लिखेंगे, क्योंकि टच कर रहा है एक ही पॉइंट, डी वन डैश टच कर रहा है। अब यहां से B1 का डिस्टेंस मेजर करेंगे, क्योंकि B1 यहां से B1 का डिस्टेंस मेजर करती है, ए बी वन डैश। अब देखिए ये हमारा ए वन डैश, ए डैश का मेजर यहां से करेंगे, इस डिस्टेंस यहां रेफरेंस लाइन से इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ये हमारा हो गया, यहां से कट कर देंगे, ये हमारा ए वन डैश हो गया। अब यहां पर इसको मिला दीजिए कर्व से, फ्रेंच कर्व से मिला के हम मिला लिए, ये हमारा यहां से यहां मिल गया। अब यहां से आप देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा सामने जाएगा, सामने दिया, सामने जहां पे कट कर गया वो आपको, और दूसरा चीज अगर डिस्टेंस पे जाएगा तो नहीं तो यहां से सीधे पैरेलल लाइन चलिए, यहां से पैरेलल लाइन चल के भी आप बना सकते हैं, पैरेलल बी वन डैश, यानी पैरेलल लाइन खींच के भी आप यहां से चले डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, या यहां से पैरेलल लाइन चल के जहां से ये वर्टिकली को हॉरिजॉन्टल लाइन कट करेगा आमने सामने, वहां पे हम पॉइंट करते चल जाएंगे, दो तरह से कर सकते हैं, या तो डिस्टेंस मेजर करके ये डिस्टेंस कट कर लीजिए, या यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए जहां पे इस वर्टिकल लाइन को हर एक पॉइंट पे कट करेगा सामने सामने बी और बी को, जैसे बी बी डैश को बी डैश से वर्टिकल, तो ये हमारा बी वन डैश हो जाएगा, उसी प्रकार ए ऐसे करके भी कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं है।
दोनों ने ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये यहां पे कट के ये हमारा ओ वन डैश हो जाएगा। इस पॉइंट से इसको मिला दीजिए और डी वन डैश से इसको मिला दीजिए। अब देखिए इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डॉटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉटेड हो जाएगा। आपको ये क्या हो जाएगा, डॉटेड हो जाएगा। यही आपका ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू, यही आपका क्या हो गया, ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू। एक बार फिर देख लीजिए, कहता है कि सबसे पहले हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रा करेंगे। तो यहां पर देखिए रखा हुआ है, क्वेश्चन समझिए, कोन बेस 50 mm डायमीटर एंड 80 mm लॉन्ग एक्सिस रेस्ट ऑन एचपी ऑन ए पॉइंट ऑफ इट्स बेस सर्किल सच दैट, इस प्रकार से रखा हुआ है इसका एक्सिस इंक्लाइन 30 डिग्री टू द वीपी, यानी ऐसे करके रखा हुआ, ये हमारा एक्सिस है, एक्सिस का एंगल वीपी के साथ, और ये बेस है जो ऐसे करके रखा हुआ टच करते हुए। तो टच जैसी एचपी से है तो 100% समझिए कि जो हमारा फ्रंट व्यू होगा, टॉप व्यू होगा, वो रेफरेंस लाइन को टच करेगा। अगर नहीं टच कराना चाहते तो आप अपने मन से ऊपर 20 mm नीचे 20 mm लेके भी फिगर बना सकते हैं, वो भी सही है। अब आइए तो हम 25 mm 50 mm डायमीटर, तो 25 mm यहां से मेजर करके हम इसको एक सर्किल बना लिए। अब इसको चार भाग में डिवाइड कर दिए, कितने भाग में डिवाइड, इस सर्किल को चार भाग में नॉमिनेटर कर दिए, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। अब यहां से सीधे नीचे पर हर पॉइंट से परपेंडिकुलर नीचे चले, यहां से सेंट्रल लाइन निकाल दिए, कितना एमएम का, 80 mm का। अब ये हमारा ए डैश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बी डैश ये डी डैश, तो बी और डी यहीं पर हो जाएगा, ये सी डैश ये सी हो गया, ये हमारा ओ हो गया। अब क्या करना है, ये हम इसको मिला देंगे तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया, ये हमारा फ्रंट व्यू ये हमारा टॉप व्यू। हम हमेशा बोलते हैं कि फ्रंट व्यू को स्मॉल लेटर डैश से या नंबर पे डैश लगाए, नंबर रहे तो नंबर 1-2-3 फ्रंट व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, टॉप व्यू को हमेशा स्मॉल लेटर से डैश स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं या नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर डैश उस नहीं लगाते हैं। अब कहता है एक्सिस इंक्लाइन टू द 30 डिग्री, तो 30 डिग्री से रेफरेंस लाइन पर कहीं पर 30 डिग्री से एक दूसरा रेफरेंस लाइन खींच लीजिए X1 और Y1, और उस लाइन पे सेम टू सेम यानी इस टॉप व्यू को ए बी डी सी ओ को एकदम से उतार देंगे। यहां पर देखिए ये रेफरेंस लाइन जो है, ये आपका बेस का जो लाइन है रेफरेंस लाइन पे क्या है, एकदम से पैरेलल है, तो यानी इस लाइन पर जो हम खींचेंगे क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये लाइन जो हो जाएगा इस लाइन पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लिए, अब यहां से बी से ए डिस्टेंस, ए से ए डिस्टेंस हम कट कर लिए, कट कर रख लिए। अब यहां से 80 mm हम लाइन पर ले लेते हैं और यहां से हम इसको मिला देते हैं, इसको मिला दिए, ये आपका टॉप व्यू सेम टू सेम उतर गया। अब यहां से सब पर ऊपर परपेंडिकुलर, हर पॉइंट से परपेंडिकुलर चले, या तो यहां से या तो डिस्टेंस मेजर करके आप इस पे कट कर लीजिए, या यहां से हर पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन राइटवर्ड चलेंगे, राइटवर्ड चल के जहां पर इस वर्टिकल लाइन को ए का, तो ए का जहां पे कट किया ए वन डैश हो जाएगा, बी का जहां पे कट करेगा वो बी वन डैश हो जाएगा, सी को जहां पे कट करेगा सी वन डैश हो जाएगा, डी को जहां पे कट करेगा वो डी वन डैश, यही आपका यहां पर मिला दीजिए। अब देखिए ये जो लाइन होगा, ये लाइन जो होगा आपका कर्व डॉटेड होगा और ये हमारा क्या होगा, बोल्ड होगा, यही आपका आंसर। दैट्स ऑल, थैंक यू।